जय श्री महाकाल साथियों, पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं आपका होस्ट संतोष देवधाकर, आप देख रहे हो यंग इंडिया व्लॉग्स। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आनंदित होंगे। और आपने हमारे चित्तौड़गढ़ की सीरीज़ जो हमने यूट्यूब पर पूरी अपलोड कर दी और उसके कुछ एपिसोड ही बचे हैं, वो आपने पूरी देख ली होगी। उन प्लेसों के बारे में हमने आपको पूरी व्यवस्थित तरीके से बताया है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उन वीडियो के थ्रू मिल सके। तो आशा करता हूँ आपने देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो एक बार जाके ज़रूर देखिएगा, काफ़ी रोमांचक वो सीरीज़ है। और आज के इस वीडियो में हम आपको यात्रा करवाने वाले हैं एक ऐसे शिवलिंग की जिसके 8 मुख मौजूद है। और वो शिवलिंग भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में एकमात्र शिवलिंग है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, विश्व में एकमात्र ही ऐसा शिवलिंग है जिसके 8 मुख मौजूद हो। और वो शिवलिंग स्थित है हमारे मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में, और उस शिवलिंग का नाम है पशुपतिनाथ। तो आज हम उस दिव्य शिवलिंग के दर्शन करने वाले हैं और आपको भी उस दिव्य शिवलिंग के दर्शन करवाएंगे और उसके पीछे की जो पौराणिक कथा है उस कथा को आपसे रूबरू करवाएंगे। क्योंकि उस शिवलिंग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उस शिवलिंग की तुलना में एक और शिवलिंग है जो नेपाल में है, काठमांडू में है, वहाँ उसके 4 मुख मौजूद है। लेकिन विश्व में बस एक शिवलिंग ही है जिसके 8 मुख है और वो हमारे मंदसौर में मौजूद है। तो चलिए चलते हैं अपन मंदसौर शहर की तरफ और आपको बताते हैं पूरा सीनरी और पूरा इतिहास आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं वीडियो के दौरान। दोस्तों हम निकल चुके हैं नीमच से मंदसौर की तरफ। नीमच से पशुपतिनाथ मंदिर जो मंदसौर में स्थित है उसकी दूरी तकरीबन 60 किलोमीटर है। तो अभी हम निकल चुके हैं, अभी हम मलारगढ़ से होते हुए मंदसौर की तरफ जाएंगे। दोस्तों पशुपतिनाथ मंदिर जाने के लिए जिस हाईवे से हम जा रहे हैं वो हाईवे काफ़ी अच्छी कंडीशन में मौजूद है। और ये हाईवे वही है जो चित्तौड़गढ़ से जावरा टोल तक जाता है और आगे भी काफ़ी लंबा जाता है, लेकिन यहाँ पर इसे जावरा नया गाँव हाईवे के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी अच्छी सीनरी यहाँ से नज़र आ रही है और काफ़ी अच्छा माहौल आज का लग रहा है। तो चलिए अब चलते हैं आगे और रोड का आनंद लेते हुए बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। और अचानक से मौसम में थोड़ा चेंज हो गया है, जो पहले हल्के हल्के बादल लग रहे थे अभी बारिश प्रारंभ हो गई है और हल्के हल्के छींटे आने लगे हैं। अभी आपको हमारे हेलमेट के वाइज़र पे छींटे दिख रहे होंगे, जो कैमरे की लेंस पर भी लग गए हैं। तो हल्की हल्की बारिश प्रारंभ हो चुकी है और अभी जो सीन है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि हल्की बारिश के साथ रोड का आनंद अलग ही मज़ा देता है। दोस्तों जब मौसम इतना खूबसूरत हो तो एक चाय तो बनती है, तो देखते हैं टपरी अच्छी सी और वहाँ पर पीते हैं अपन चाय। अभी आपको सामने एक टपरी दिख रही होगी, तो यहीं पर हम चाय पियेंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे मंदसौर की तरफ। चले चलते हैं, चाय पीते हैं। लो चाय दे दो यार, एक चाय दे दो। सो गाइज, फाइनली हम पशुपतिनाथ मंदिर के यहाँ पर पहुँच चुके हैं। चलिए अब चलते हैं मुख्य मंदिर की तरफ। अभी जो आपको सामने गेट दिखाई दे रहा है ये मुख्य मंदिर का दरवाज़ा है, जिस पर लिखा हुआ है श्री पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और इसी दौरान हम आपको मंदिर से जुड़ी हुई पूरी कथा बताएँगे। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं भव्य शिवलिंग के। एक समय की बात है, मंदसौर में स्थित शिवना नदी पर उदा नाम का एक धोबी नित्य कपड़े धोया करता था। वह जिस पत्थर पर कपड़े धोता था वह भगवान शंकर की अष्टमुखी प्रतिमा थी, लेकिन इससे वह अनजान था। एक दिन स्वप्न में उसको भगवान शिव शंकर दिखाई देते हैं और भगवान शिव शंकर उसे साक्षात बताते हैं कि तू जिस पत्थर पर कपड़े धोता है, जिस पत्थर पर मेले कपड़े धोता है,
वह मेरी अष्टमुखी प्रतिमा है। उसके बाद दूसरे दिन उदा धोबी यह बात अपने मित्रों को बताता है। इसके बाद यह बात पूरे कस्बे में फैल जाती है और उसके बाद निर्णय लिया जाता है कि उस पत्थर को निकाला जाएगा, खोदा जाएगा। उसके बाद उस पत्थर के आसपास थोड़ी खुदाई की जाती है तो सब भौचक के रह जाते हैं, क्योंकि वह सच में एक अष्टमुखी प्रतिमा थी। उसके बाद सभी गांव वाले मिलकर 16 बैलों की जोड़ी को मंगवा कर उस मूर्ति को खींचते हैं, क्योंकि मूर्ति इतनी भारी थी कि उसे खींच पाना नामुमकिन था। और उस समय जब संसाधनों का अभाव था तो उस समय 16 बैलों की जोड़ी मंगवाई गई और उन 16 बैलों की जोड़ी के सहायता से उस मूर्ति को शिवना नदी के उस तट से इस तट की तरफ खींचा गया। लेकिन उसी दौरान एक चमत्कार दिखाई देता है कि जब मूर्ति शिवना नदी के एक छोर से दूसरे छोर की तरफ जाती है, तब दूसरे छोर पर जाने के बाद वह मूर्ति वहीं पर स्थायी हो जाती है। उसे 16 बैल की जोड़ी भी नहीं हिला पाती है। उसके बाद यह निर्णय लिया जाता है कि मूर्ति को यहीं पर स्थापित किया जाएगा, लेकिन संसाधनों के अभाव के चलते यह मूर्ति तकरीबन 20 वर्ष तक वहीं पड़ी रही। और जब 1940 में उदा धोबी ने यह मूर्ति निकाल ली थी, उसके बाद तकरीबन 1961 में स्वामी प्रत्यक्षानंद महाराज की सहायता से 1961 में इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। और जहां पर वो मूर्ति शिवना नदी के दूसरे छोर पर रुक गई थी, वही जगह आज यह भव्य मंदिर बनाया गया है। और 1961 में यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई थी। आज यहाँ पर 100 फीट ऊंचा मंदिर बना हुआ है और उस पर 16 किलो वजनी कलश स्थापित है और इस कलश पर 51 किलो सोने की परत चढ़ाई गई है। इस मूर्ति के बारे में और इस प्रतिमा के बारे में बात करें, इस प्रतिमा पर 8 मुख अंकित किए गए हैं और इस प्रतिमा की ऊंचाई 7.3 फीट है और इसकी गोलाई 11.3 फीट है। इसका वजन लगभग 64,000 किलो है। तो दोस्तों, यह था 1940 का ज्ञात इतिहास। तो चलिए चलते हैं इस मूर्ति का वास्तविक इतिहास समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि वास्तव में इस मूर्ति का निर्माण किसने करवाया है। माना जाता है कि मूर्ति का निर्माण विक्रम संवत 575 ईस्वी में सम्राट यशोधवर्धन की हूणों पर विजय के आसपास किया गया था। संभवतः इसे मूर्ति भंजकों से रक्षा के लिए शिवना नदी में दफन कर दिया गया था, क्योंकि उस समय बाहरी आक्रमण होना आम बात थी और बाहरी आक्रमणकारी आके सभी मंदिरों को तोड़ दिया करते थे, मूर्तियां नष्ट कर दिया करते थे। तो उसी से बचाने के लिए इसे शिवना नदी में दफन कर दिया गया होगा। अनुमान के अनुसार अज्ञात कलाकार ने शिवलिंग के ऊपरी 4 मुख पूरी तरीके से बना दिए थे, परंतु नीचे वाले 4 मुख पर आधी अधूरी कलाकारी ही दिखाई देती है। और इस मूर्ति की विशेषता इस प्रकार है कि इस मूर्ति पर चारों दिशाओं में एक के ऊपर एक सिर मौजूद है, यानी प्रत्येक दिशा में 2 सिर मौजूद है। और प्रतिमा में बाल्यावस्था, युवावस्था, अधेड़ावस्था और वृद्धावस्था के दर्शन होते हैं। तो काफ़ी अद्भुत यह प्रतिमा है। और इस प्रतिमा की तुलना काठमांडू में स्थित भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा से की जाती है, परंतु काठमांडू में स्थित भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा में 4 मुख है, परंतु मंदसौर में स्थित भगवान पशुपतिनाथ की इस प्रतिमा में 8 मुख मौजूद है। और यह दुनिया की एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिसके ऊपर 8 मुख मौजूद है। दोस्तों, आज भी हजारों साल पुराने इस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और मन्नतें पूरी करने के लिए यहाँ पर नंदी भगवान के कानों में अपने मनोकामनाएँ बोल के जाते हैं। दोस्तों, इस मूर्ति में एक खासियत आपको और दिखाई देगी। इस मूर्ति में गंगा अवतारण जैसी दिखाई देने वाली सफ़ेद धारियां दिखाई देगी, जिसे गंगा माँ को भगवान शंकर ने अपने जटाओं में रखा था, जटाओं में रोका था, उसके बाद उन्हें धरती पर प्रवाहित किया था। तो इसी प्रकार यहाँ पर शिवलिंग पर भी आपको कुछ गंगा अवतरण जैसी धारियाँ दिखाई देगी। ऐसा लगता है कि मानो गंगा माता भगवान शंकर की जटाओं से निकलकर धरती की ओर प्रस्थान कर रही है। तो काफ़ी अद्भुत यह शिवलिंग है और काफ़ी अद्भुत इसके दर्शन है। अगर आपको कभी आने का मौका मिले तो एक बार यहाँ आकर ज़रूर दर्शन कीजिएगा और भगवान शंकर के इस अलौकिक शिवलिंग को अपनी आँखों से निहारिएगा।
दोस्तों अभी हम मौजूद है भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर, और जो अभी आप जो पीछे देख रहे हैं ना, यह है मंदिर का मुख्य गर्भगृह। उसके ऊपर सोने के कलश चढ़े हुए हैं, और जो पीछे आप देख रहे हैं ना, पीछे यहाँ पर आपको दिख रही है नदी शिवना नदी। जैसे उज्जैन में शिप्रा नदी और महाकाल बाबा को साथ में देखा जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर शिवना नदी और भगवान पशुपतिनाथ को साथ में देखा जाता है। मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के नाम के बिना दूसरा नाम अधूरा लगता है। तो काफ़ी ये विशाल नदी है, और पीछे आपने देखा एक और महादेव जी का मंदिर था। तो बाकी मुख्य मंदिर तो ये मंदिर था जो भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है। कि फिलहाल ये शिवना का लुक आप देख लीजिए, और ये ब्रिज जो सिटी को जोड़ता है। तो अभी जो शिवना नदी का पानी है ना, बहुत कम है। जब पानी इतना ज़्यादा आता है ना, तो अभी जो मैंने आपको अष्टमुखी शिवलिंग बताया भगवान शिव का, वो भी जलमग्न हो जाता है। लेकिन अभी इस साल तो यहाँ पर पानी कम दिख रहा है। बाकी हर साल में लगभग एक बार तो शिवलिंग के चरणों में पानी आ जाता है। दोस्तों अगर आप निर्माण कार्य में दान देना चाहते हैं ना, तो आप ये इन कॉन्टेक्ट के थ्रू आप डाल सकते हो। दोस्तों अभी हम खड़े हैं शिवना ब्रिज पर, और जो मुख्य मंदिर है वो ये मंदिर ये है, जिसके ऊपर सोने का कलश चढ़ाया हुआ है, और ये पूरी शिप्रा। और पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मेघदूतम गार्डन है, और ये पूरी शिप्रा का व्यू है। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है, अच्छी जगह है। आप भी आइएगा, दर्शन कीजिएगा, और भगवान शिव की जो अद्भुत प्रतिमा, जो विश्व में मात्र एक प्रतिमा है जिसके 8 मुख है, वो भगवान शिव की प्रतिमा, तो वो प्रतिमा यहीं विराजमान है। तो आइए भगवान शिव के दर्शन करिए। और अगर आपने अभी तक हमारा पूरा वीडियो देख लिया है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग गया हो तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दो भैया, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई रोचक और कुछ नए हिस्टोरिकल प्लेस के साथ। तो आज की यात्रा अपनी यहीं समाप्त होती है। बाकी काफ़ी मस्त वाला नज़ारा यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अलविदा। जय श्री महाकाल। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।